अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज की इस लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि जब हम किसी भी वेबसाइट को स्क्रैप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वेबसाइट से क्या होता है, सम जो वेबसाइट होती है उन्होंने कैप्चा लगाया होता है, ठीक है, तो कि कोई कोड के थ्रू या किसी और पर्पज़ के थ्रू वो जो हमारी वेबसाइट को एक्सेस ना कर सके, ठीक है, मल्टीपल रीजन हो सकती है। तो आज हम जो देखेंगे, हम कैप्चा को बाईपास कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास कैप्चा को बाईपास करने का एक तो होता है कि हमारे पास अपना कोड हो, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है और उसमें बहुत से, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, बहुत से इश्यूज हैं। हो सकता है जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो पता हो, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक कौन सा है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि जो सा ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि इसको कोड के थ्रू बाईपास किया जाए। तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं या आप ऑर्गेनाइजेशन कह लें जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो कहती हैं कि ये कैप्चा जो सा आप हमें भेजो, ठीक है, हमारे पूरी टीम बैठी है, लाखों करोड़ों में वहाँ लोग बैठे होते हैं, वो ये कैप्चा सॉल्व करेंगे, बैठे ह्यूमन ही होंगे, कैप्चा ये ह्यूमन ही सॉल्व करेगा, कंप्यूटर कोड इसको सॉल्व नहीं कर सकता अभी तक, कुछ हो मे भी सॉल्व करते हो, बट वो फिर कैप्चा चेंज होता रहता है, तो फिर ह्यूमन ही सॉल्व कर सकते हैं ऐसे कोड के थ्रू मुश्किल। तो वो कंपनीज को हम डाटा भेजते हैं, ऑनलाइन वहाँ मेंबर बैठे होते हैं, वो मेंबर इस कैप्चा को सॉल्व करते हैं और उनको पैसे मिलते हैं। आप भी चाहें तो वहाँ पे लॉग इन होके तो आप भी कैप्चा सॉल्व करने लगते हैं, तो आप जैसे कैप्चा सॉल्व करोगे उसके तो बहुत मिनिमल से पैसे होते हैं, तो वहाँ से भी आप इस तरह से अर्निंग भी कर सकते हैं। अच्छा, तो उन वेबसाइट पर ये कैप्चा जाता है, वो ये कैप्चा सॉल्व करते हैं और कैप्चा सॉल्व करने के बाद वो स्पेसिफिक कोड है वो आपको सेंड करते हैं। अच्छा, जब वो कोड हमारे पास आ जाता है तो हम इस वेबसाइट को दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट में दरमियान डिस्कशन का डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट में जाता है, गेट में नहीं जाता, क्योंकि गेट में डेटा यहाँ शो होता है। तो उस पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर दो तीन चीज़ें हम देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें भेजनी होती है, और साथ साथ हम ये वाला कोड भी भेजते हैं। जैसे हम ये वाला कोड भेजते हैं तो इस वेबसाइट को लगता है, क्योंकि ये जो रिकैप्चा है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कोड जनरेट होता है ऑटो, और वो कोड जो उनसा है वो बताता है वेबसाइट को कि हाँ भाई ये किसी ह्यूमन ने सॉल्व किया, तो किया तो ह्यूमन ने सॉल्व होता है, वहाँ पे लोग ही बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे हम पोस्ट एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, वहाँ पे हम उसके साथ कोड भी भेजते हैं। तो ये क्या होता है, जब कोड के बाद जब हम जब जिससे एक कोड जनरेट हुआ इसके बाद बैकएंड पे वो जनरेट हो चुका है, अब हम दोबारा जब सबमिट करते हैं तो दोबारा एक रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, अब मैंने सबमिट करता हूँ तो एक फिर रिक्वेस्ट गई है। अब जैसी वो रिक्वेस्ट जाती है, देखिए ये वाला पेज ओपन हो जाता है, ठीक है, लुक्स लाइक यू आर नॉट रिबोर्ड, फॉर एग्जाम्पल ये तो एक डमी सी एक मतलब एक कोड है ना सीखने के लिए, अदरवाइज जो यहाँ पे उसका होता है जो भी कंटेंट होता है वो शो हो जाता है, ठीक है, और फिर वहाँ से आप जो चीज़ें स्क्रैप करनी है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज का प्रोसेस जो आज हम करेंगे, ठीक है, इसको मैं बैग पे ले जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर फिर ना मैं इसको यहाँ पे आप इसको वर्किंग करते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले तो है हमें इस वेबसाइट को समझना है कि इसका बैक एंड प्रोसेस कैसे है। जब तक आप इसका बैक एंड का प्रोसेस नहीं समझ सक समझोगे आप इस कैप्चर को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि कैप्चर कैप्चर भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक होता है ये रिकैप्चर, एक और भी बहुत से कैप्चर हैं, ये देखना पड़ेगा अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे कि टाइप्स ऑफ कैप्चर, अगर आप नेट पे लिखो टाइप्स ऑफ कैप्चा, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैप्चा, पिक्चर आए हाँ जी आ रही, कैप्चर ऑपरेटर का कैप्चर, हाँ ठीक है, कैप्चर कस्टमर देखते हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले, ये पिक्चर्स
केवल वही चीज़ इसने बताई है। तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ ना हो है, तो यहाँ से ना आप थोड़ी सी अच्छा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे होती है सिंपल मैथ प्रॉब्लम, ठीक है, वो कैप्चर। यहाँ पे कोई मैथ आता है, 2 + 2 कितना है, 1 + 1 कितना है, इसका एक वर्ड प्रॉब्लम कोई होगी, इसका सोशल मीडिया साइन इन कोई होगा, इस तरह करके टाइम बेस्ड कुछ होगी, हनी पॉट होगी। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बताया नहीं है, पिक्चर नहीं दी कौन सा किस किस्म की, तो नो कैप्चर, ये बेसिकली री कैप्चर जो कि आज मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक री कैप्चर है, ठीक है, एक इनविजिबल रिकैप्चर कोई होता है, कॉन्फिडेंस रिकैप्चर है, ठीक है, तो फ्लुइड कैप्चर है, बायोमेट्रिक कैप्चर है, तो ये सारे कैप्चर्स दिए हैं, ठीक है। आप अगर वेबसाइट पे जाओ जो कि मैं जिनकी सर्विसेज यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये TrueCapture.com, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको साइन इन होना पड़ता है, ठीक है। साइन इन होने के बाद शायद एक आधा कोई ये फ्री देते हैं, अदरवाइज आपको जो उनसे ना कुछ पेमेंट देनी पड़ती है, मतलब बहुत ये इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते आपको, बहुत मिनिमल से पैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया होगा कैप्चा क्या है और कैप्चा को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हर कैप्चा की प्राइस भी दी होती है, ऑटो कैप्चा सॉल्वर उसका ये है, ह्यूमन कैप्चा की ये, ठीक है, सॉल्व कैप्चा सॉल्वर रिकैप्चा, भाई ये रिकैप्चा है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए। बाकी भी यहाँ इस वेबसाइट को विजिट करें, ठीक है, सपोर्टेड कैप्चर कौन कौन से हैं, नॉर्मल कैप्चर्स, टेक्स्ट कैप्चर्स, क्लिक कैप्चर्स, रोटेट कैप्चर, रिकैप्चा वर्जन 2, रिकैप्चा वर्जन 2 कॉल बैक, रिकैप्चा वर्जन 2 इनविजिबल, रिकैप्चा वर्जन 3, ये मतलब सारे इन्होंने दिए हैं, ठीक है। इसको अगर हम क्लिक करें तो देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर हमें कोई अच्छा ह्यूमन कैप्चर ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ बताया है कि ह्यूमन कैप्चर किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर हमें उसने बताया नहीं है, तो दोबारा उसी पेज पे उसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया है। ये रिकैप्चर बाईपास ऑटो सॉल्विंग सर्विस, चलिए इसको बाद में देखेंगे, आप भी इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है, कि ये डिफरेंट कैप्चर आप देख लो, ही ह्यूमन कैप्चर, एच कैप्चर, यहाँ पे अगर लिखे एच कैप्चर, ठीक है, और इसको आप इमेजेस में ले आओ, तो यहाँ पे देख लेते हैं ह्यूमन कैप्चर किस टाइप के हैं, ठीक हो गया, या ये मैंने रिपोर्ट एच कैप, अच्छा यहाँ पे लिखा होगा एच कैप्चर, ठीक है।
यहाँ पर मतलब मुख्तलिफ तरीकों से आप यहाँ से आप जज कर सकते हो, ठीक है। जिसमें ये है उस पर क्लिक कर देगा, देखिए एच कैप्चा लिखा हो, थ्री कैप्चा लिखा हो, ठीक है, तो ये आपके पास, ठीक है। तो इस तरह करके आप इमेज सर्च भी कर सकते हो कि उसके उस कैप्चे का नाम क्या है, ठीक है। क्योंकि उस कैप्चे के नाम के थ्रू हम मुख्तलिफ उसके टू कैप्चा के ना, फिर वो होता है फंक्शन कि किस फंक्शन को हमने कॉल करना है, ठीक है। तो इस तरह पास अच्छा ये चीज़ें तो होगी, तो जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आएगी वहाँ पे आपने मुझसे पूछ लेना है सर इस बात की हमें समझ नहीं आई। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से पता चल गया, अच्छा ये तो सामने आ गया ना रीकैप्चा, ठीक है। तो रीकैप्चा के लिए मैंने कोड लिखा हुआ है पहले से, ठीक है, तो वो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा कैसे करना। अच्छा रीकैप्चा आ गया, हमें पता चल गया रीकैप्चा, ठीक है। अब हम इसको ना थोड़ा सा F12 करते हैं और इस वेबसाइट को एनालाइज करते हैं, ये वेबसाइट काम कैसे कर रही है। तो जाते हैं नेटवर्क टैब में, इसको थोड़ा सा मैं जूम कम कर लेता हूँ और यहाँ पे ना एक दफ़ा इसको दोबारा रीलोड करता हूँ इसी पेज को। वैसे मैं दोबारा रीलोड करूँगा, देखिए बहुत डेटा ना इसने, ये अब जो जो डेटा स्क्रैप कर रहा है ना वो सारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने जाना है इसी वे ऊपर, देखिए फॉर्म स्पैम में किया ना कुछ वेबसाइट का, ये वाला जो लिंक है कि नीचे आ रहा होगा वो आपने खुद फिर देख लेना। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहता है कि ये आपकी जो रिक्वेस्ट है, ये आपकी गेट रिक्वेस्ट है, आपका कोड जो उनसे वो आया है, ये रिक्वेस्ट हेडर्स है, ठीक है। कुकी अपने ईयर दे दिए, देखिए कुकी के अंदर CSRF टोकन भी जा रहा है, ये देख रहे हैं ठीक है। कुकी के अंदर आपके टोकन जनरेट हुआ है और वो टोकन भी जा रहा है, इसका मतलब है ये टोकन भी हमें पहले गेट करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि हर दफ़ा ये नया टोकन जनरेट हो रहा है। अगर हर दफ़ा नया टोकन जनरेट हो रहा है, आई थिंक नया ही हो रहा होगा, तो हमें ये टोकन गेट कर कर फिर उसको भेजना है, ठीक है। एक तो ये हो गया, अच्छा दूसरा जो उनसे है बाकी वही है, एड्रेस है सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा एक तो ये हो गया, अब दोबारा हमने देखना है, यहाँ तक बात समझ आ गई कि यहाँ से अच्छा हमें पता चल गया, अच्छा, बाकी तो सारी डिफरेंट चीज़ें हैं उनको छोड़ दिया, सिर्फ जो मेन ये जो इस URL है scrapbay.com/spam इस पे हमने देखा है, जो ये URL है यहाँ पे आ रहा है। आप मुख्तलिफ अगर आओ आप यहाँ जाएंगे ना बूस्ट टैब मेन डॉट से, देखें इसका URL कोई और है, इसका URL phone.google है, इसका URL scrapbay.com/static ये है, इसका देखें हर किसी का URL देख लें, डिफरेंट URL है, ठीक है। तो ये जो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसके मतलब इन्होंने कुछ सर्विसेज को ली हुई होंगी, उन पे ये सारी जा रही है, रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। हमने इनको नहीं देखना, हमने देखना है जो मेन URL है वो किधर है, वो ये है, किसी का यहाँ पे होता है किसी का नीचे चला जाता है, हमें पता चला कि अच्छा ये है ये है ये गेट रिक्वेस्ट, ओके हो गया। अच्छा अब हमने एक दफ़ा इसको क्लियर कर, यहाँ से ना ये क्लियर कहाँ से होगा, आई थिंक यही होगा, यहाँ पे क्लियर का एक ऑप्शन होता है जहाँ से हम इसको क्लियर कर सकते हैं, नहीं से होता है क्लियर, उसमें सारा कुछ क्लियर हो गया, बिल्कुल नया पेज मिल जाता था। हाँ ये सॉरी ये ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा ये इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है क्लियर हो गया, क्लियर इसलिए कि दोबारा लोड करूँ। अच्छा अब मैं इसको जैसे क्लिक करता हूँ, ठीक है देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ये कुछ जनरेट हुआ, अच्छा इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। अच्छा इसमें सॉरी, अच्छा यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट URL किस पे किया है, google.com, ऐसे में रिकैप्चर आई थिंक google.com की कोई सर्विस है। अच्छा API रीलोड और फिर ये इसने कुछ भेजा है साथ, ठीक है। रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है और फिर उसने जनाब यहाँ पर हमें ओरिजिन दिया है, मेथड देखें यहाँ पे क्या मेथड पोस्ट है, पाथ उसका ये है, ठीक है, और कुकी में क्या जा रहा है, कुकी में भी कोई चीज़ें जा रही है। अब देखें यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट है ना,
रिक्वेस्ट देखें, रिक्वेस्ट पोस्ट, इसका मतलब है पोस्ट रिक्वेस्ट कब होती है, जनरली हम यूज़ करते हैं कि हम साथ साथ कुछ डेटा भी भेज रहे होते हैं, ठीक है। जब हम डेटा भेजते हैं ना, अब देखो उसने क्या वेरिफिकेशन एक्सपायर्ड चेक का मतलब वो उस टाइम के अंदर सॉल्व करना होता है। अच्छा तो हम देखते हैं कि जो हमने रिक्वेस्ट भेजी थी इसके, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब कोई ना कोई साथ में डेटा भेजे, तो वो पेलोड में डेटा आ रहा होता है कि डेटा गया कौन कौन सा, ठीक है। तो अगर हम इधर चेक करें पेलोड में, अच्छा पेलोड में के है वो, ये एक वैल्यू हो गई है, और दूसरा जो उनसा है यहाँ पर अगर इसमें करें तो फिर भी वैसे ही शो हो रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक दो तीन चीज़ें होती हैं, मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ, मैं इसको दोबारा फिर शो करता हूँ और दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, नया पेज जनरेट करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर मैं देखना चाह रहा हूँ। अच्छा इसको मैं दोबारा, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। और अब मैं दोबारा आई मिले को अपडेट करता हूँ, ठीक है। एक तो ये रिक्वेस्ट थी, फिर दूसरी कैंसिल रिक्वेस्ट थी, ये रिक्वेस्ट थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम उसको गौर से देखें, अगर हम एक एक चीज़ आप उसको पढ़ें तो कोई और डाटा नहीं मुझे लग रहा जो जा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद कामा होता है और वो की होती है और फिर वो डाटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर, चलो अच्छा अब इसको चलो छोड़ते हैं, इसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, यहाँ पे कुछ समझ समझ तो आगे की चीज़ की पेड़ हो रहा है, तो वो चीज़ चेक करते हैं। मैं इसको सबमिट करता हूँ, अच्छा क्लियर करता हूँ, अब मैं सबमिट करता हूँ, अब मैंने सबमिट किया, ठीक है। और मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है, हाँ जी यहाँ पे मैं क्लियर, वो क्लियर डेटा दिखा रहा है। अब देखें इस पे मैं गया हूँ scrapbit.com स्पैम पे गया हूँ, देखिए रिक्वेस्ट मेथड क्या है पोस्ट, ठीक है, स्टेटस कोड ये है, और यहाँ पर देखें यहाँ पर पोस्ट के साथ में चीज़ें क्या क्या भेजी हैं उसको। तो मैं अगर पेलोड में जाऊँ, अच्छा व्यू उसमें करता हूँ, तो उसमें ना थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी नज़र नहीं आ रही। एक तो बेसिकली वो बोल रहा है CRS मिडिल वेयर टोकन, ये कोई टोकन वो भेज रहा है, ठीक है। और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो G.recaptcha response, ठीक है, एक ये कोड, दो चीज़ें इसको इस तरह हम कर लेते हैं, ये ज़्यादा इजी से नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है ना, इसका मतलब है ये वेरिएबल है, मतलब उसका नाम, ठीक है, और ये उसका चीज़ है जो वो भेज रहा है। तो देख कोई CRF मिडिल वेयर टोकन है, ये आई थिंक वही टोकन है जो कि वो वहाँ पे जनरेट होता है ऑटो, तो ये टोकन भी वो साथ ले रहा है। अच्छा यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गया। अच्छा देखिए यहाँ साथ एंड लगा हुआ है, एंड इसका मतलब है एक ये भेजा है, एंड के बाद G.recaptcha डैश रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू से हमें पता चल रहा है अच्छा ये अब कोई और दूसरी चीज़ भी भेज रहा है, तो इज इक्वल टू से पीछे वाले वेरिएबल को हमने पढ़ लेना है, रिस्पॉन्स G.recaptcha बिल्कुल यही चीज़ हमने भेजनी है उसको, और एंड लगा कर। अच्छा ये क्या है, ये बेसिकली गूगल रिकॉप्चर रिस्पॉन्स है, जो कि गूगल ने बताया है कि ये कोड जनरेट हुआ है। इसका मतलब है बेसिकली ये करता क्या है, ये बेसिकली जब ह्यूमन उसको वो डिटेक्ट कर लेते ना कि ये कोई इंसान है जिसने क्लिक किया, ठीक है, किसी रिपोर्ट ने किया, तो वो कोड जनरेट करता है ऑटो, तो वही कोड जो उनसे ना वो जहाँ भेजते हैं, तो ये कोड उसने ये सारा आगे देखे, बाकी आर्मी कोई इज इक्वल टू और इस तरह करके कोई नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये जो उनसे ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कोई और कोड होता हो जहाँ पे इज इक्वल टू भी आता हो, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक बन रही है उसमें तो कहीं इज इक्वल टू नहीं आ रहा। इसका मतलब है कोई और पेलोड में डाटा नहीं जा रहा, सिर्फ दो चीज़ें जा रही है, एक CRF मिडिलवेयर टोकन जा रहा है,
और एक जी डैश डी कैप्चर डॉट डैश 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 रिस्पॉन्स, और फिर ये वो रिस्पॉन्स कोड जनरेट। ठीक है, और ये कोड कौन सा है, जो बेसिकली टू कैप्चा को जो हम भेजेंगे और वापसी पे जो हमें कोड भेजेगा वो यही कोड होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो हम भेजेंगे। जो बीच वाला प्रोसेस था ना, जिसमें मैंने आपको इस ये बोर्ड के थ्रू सॉल्व कर, तो इसको हमें इतना अभी फिलहाल जो मेरी है अंडरस्टैंडिंग उसमें ये है कि ये वाला कोड जो हमने दिया इसको हमें कोई खास देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या जा रहा है और क्या क्या नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे तो हमें फॉर्म लेटर दे, नहीं इसमें हमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं। हमने देखना है कि इसके बाद जब हम सबमिट करते हैं, इस तरह करके सबमिट करते हैं, तो उसमें क्या कोड जनरेट हुआ। ठीक है, वो फिर हम इस पर क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पे मेथड पोस्ट आ गया, इसका मतलब है फर्स्ट रिक्वेस्ट जो हम भेजेंगे वो गेट रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, उसके पास हमारे पास कुछ कोड आएगा। ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके तो हम वो कोड लेंगे टू कैप्चर वाले से, और फिर हम एक और पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएंगे जिसमें हमने ये वाला पेलोड बनाना होगा, जिसमें हमें कुछ सीरियस मिडलवेयर टोकन देंगे और दूसरा हम उसको ये जी डॉट री कैप्चर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फिर हम इसको बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें जनाब इसको इस वेबसाइट की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमने इसमें करना क्या है। ठीक है, तो ये कोड ना एक मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इसको लाइव भी करके दिखा देंगे, मसला नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कभी टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ बना लिया। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको ये कोड दे भी दूंगा, आप लोग देख। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्या है कि एक तो आपको इसमें एपीआई की चाहिए। अब ये एपीआई की क्या है, ये बेसिकली जब आप टू कैप्चर के ऊपर लॉग इन होंगे ना, यहाँ पे साइन इन करेंगे। ठीक है, तो फ्री में आई थिंक आपको एक या दो वो एपीआई, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे ना, जिस तरह साइन अप करते हैं इसके ऊपर जीमेल पे, या इसी तरह यहाँ पे जब साइन अप करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, सामने लिखी होगी आप योर एपीआई की। ठीक है, वो एक खाली एक स्ट्रिंग होगी, उसमें कोई नंबर लिखे होंगे, बस वो आपने कॉपी करनी है, और वो कॉपी कर कर जो सा है वो आपने क्या करना है, उसको आपने यहाँ पे जब आप ये कहाँ पे ये सॉल्वर डॉट रिकैप्चा साइट की करोगे ना, जहाँ पे आप दोगे, मैं बताता हूँ अभी कि आपने कैसे देनी है। अच्छा, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल वो यूआरएल ले लिया। ठीक है, ये वो यूआरएल आ गया जिसके ऊपर आपने रिक्वेस्ट भेजनी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये यूआरएल है बेसिकली scrapbay.com फॉर स्पैम। ठीक है, अच्छा वो देखकर, ठीक है, फॉर स्पैम, ठीक है, यूआरएल दे दिया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, डेफ सॉल्व कैप्चर साइट की दे दी, एक फंक्शन बनाया। ठीक है, सॉल्व डॉट डी कैप्चा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये बेसिकली ना टू कैप्चा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें फ्रॉम टू कैप्चा, वो जिनकी मैं सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ ना, उनकी एक लाइब्रेरी है, जो एक मॉड्यूल है, जो कि अब आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपने करना है पिप इंस्टॉल टू कैप्चा। ठीक है, जब पिप इंस्टॉल टू कैप्चा करेंगे ना, तो वो टू कैप्चा आपके पास मॉड्यूल का इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो हो जाएगा, फिर आपने कहना है कि फ्रॉम टू कैप्चा इम्पोर्ट टू कैप्चा। अब ये बेसिकली उसके अंदर है कि आपने टू कैप्चा सॉल्व करना है, कौन सा कैप्चा आपने सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं बेसिकली ये तो इम्पोर्ट टू कैप्चा की सर्विस। आगे हम यहाँ फंक्शन पे देखते हैं, यहाँ देखेंगे रिकैप्चर यूज़ करना है या क्या यूज़ करना है। ठीक है, चलिए, हमने फ्रॉम टू कैप्चर इम्पोर्ट टू कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप समझें कि ये मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो टू कैप्चा और उसके अंदर मैंने क्या दे दी, एपीआई की। वो जो एपीआई की आपने टू कैप्चा वालों से किया ना, वहाँ पे जब लॉगिन किया तो आई, वो टू कैप एपीआई की आप डायरेक्ट दे दो, या आप, मैंने एक फाइल है, एक फाइल बनाई हुई है उसके अंदर मैंने रखी है, और उसमें फंक्शन बना रहा, तो जैसे ही कॉल करते हैं जो कोई, आप ये ना भी बनाओ तो कोई मसला, आप डायरेक्ट यहाँ पे एपीआई की अपनी दे दो।
तो यहाँ पे जो फंक्शन कॉल होता है तो एपीआई की आती है, जस्ट वो एक स्ट्रिंग है और कुछ भी नहीं, ठीक है। जस्ट लाइक आप ये देख लें कि वहाँ पे कोई इस तरह का एक कोड लिखा हुआ है, बस सिर्फ ये और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वो आपने क्या किया, ये एपीआई की में आ गई, यहाँ पे हमने वो दे दिया। अब जैसे ही बनेगा तो एक सॉल्वर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनता है। अब ये एक मैंने फंक्शन बना लिया सिंपल सा, डेफ सॉल्व फंक्शन। अच्छा, अब ये दो चीज़ें मैं उसको दे रहा हूँ। तब ये दो चीज़ें मैं क्यों उसको दे रहा हूँ, साइट की दे रहा हूँ, ठीक है, और एक उसको मैं यूआरएल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा और देखूंगा, क्योंकि अभी तक ना मैंने इसको अभी बड़े से बाद दोबारा कोड ओपन किया है, तो अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, लेकिन देखता हूँ कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कि हमने यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें ही क्यों उसको पास की हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने दो चीज़ें क्यों सॉल्व की हैं, उसकी रीज़न ये है, अभी मुझे उसकी बात समझ आ रही है, जहन में आ रही है। यहाँ पे हमने इसलिए इसको सॉल्व दो चीज़ें सॉल्व की हैं कि जब हम इसको मैंने क्लियर किया, अब मैं जब देखो, अब अपने सॉरी मैंने इस कोड को हमें देखना पड़ेगा कि टू कैप्चर क्या क्या चीज़ें लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आई मैन नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ें जनरेट होती हैं, पहले ये जनरेट हुआ फिर ये, तो यहाँ पर देखें एक की जा रही है उसके पास, ठीक है। यहाँ पे हमें क्यूरी पैरामीटर स्ट्रिंग नज़र आ रहे हैं, आप इसको छोड़ें फिलहाल। यहाँ पे के एक वैल्यू है, जी एल एफ, ठीक है, ये एक वैल्यू है जो उसके पास जा रही है। तो ये वैल्यू हमने इसको देनी है, तो इस वैल्यू के बेस पे फिर हमें वो एक रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वाली 6LF ये कहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसी को थोड़ा सा कंट्रोल सी कॉपी करके इधर ओपन कर लूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर F12 ही ओपन कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी होता है, कॉल सी कॉपी किया, यहाँ पे देखता हूँ कॉपी हो रहा है, हाँ ये हो गया कॉपी। अच्छा, अब मैं देखता हूँ क्या ये वेबसाइट के अंदर कहीं दिया हुआ है। अगर मैं एलिमेंट्स में जाऊँ, कंट्रोल एफ करके यहाँ पेस्ट करूँ, तो देखिए यहाँ मैंने पेस्ट किया, तो यहाँ पे देखें ये कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे कैप्चा और इसका लिखा उसका, देखो साइट की दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है ये कुछ साइट की है, हो सकता है स्टैटिक हो सकता है डायनामिक हो, ठीक है। तो अगर हम इसको दोबारा रिफ्रेश करें, ठीक है, दोबारा इस वेबसाइट को हमने सर्च किया, और अब मैं दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ, देखिए दोबारा आ रही है। इसका मतलब है इनकी साइट की ना वो स्टैटिक है, तो हमें साइट की गैट नहीं करनी पड़ेगी, तो ये साइट की स्टैटिक है। तो जब हम इसका मतलब है यहाँ पे जब हम इस कैप्चर को करने लगे ना बाईपास, तो यहाँ पे हमें उसको की भी देनी पड़ेगी, ठीक है, और के की वैल्यू क्या, के इज इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, इसलिए हमने यहाँ पे एक साइट की दी है, एक वेरिएबल का नाम, दूसरा बेसिकली यूआरएल के जिस यूआरएल पे हमने इसको सॉल्व करना है, ये हमने दे दिया। अच्छा, अब ट्राई एक्सेप्ट इसलिए लिखा है कि अगर ये फेल हो जाते तो एक्सेप्ट में, और ये सिंपल एक्सेप्शन है, शो कर देती है कि अब एक्सेप्शन आई क्या, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट डॉट कैरेक्टर को, अब ये बेसिकली जब ये रिजल्ट भेजते हैं ना, तो रिजल्ट में तीन चार चीज़ें भेजते हैं, तो हमें तीन चार चीज़ें में सिर्फ कोड चाहिए, हमने लिख दिया रिजल्ट डॉट गेट, कि जो कोड है ना हमें सिर्फ, वो कोड हमें रिटर्न करो, ठीक है। अब ये रिटर्न आप इधर भी लिख सकते हो, रिटर्न नीचे लिख दिया, ये आप कोई इशू नहीं, जैसे मैंने दिया आपका। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या क्या सॉल्वर, यही सॉल्वर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया टू कैप्चर से, तो सॉल्वर डॉट रिकैप्चर और साइट की, ये साइट की कौन सी है, वही साइट की जो, क्योंकि ये हम किसके लिए कोड लिख रहे हैं, ये हम कैप्चर सॉल्व करने का कोड लिख रहे हैं, तो कैप्चर सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक साइट की चाहिए, और दूसरा यूआरएल तो चाहिए चाहिए कि किस यूआरएल पे आप जाके इसको कर रहे हो, ठीक है। और ये साइट की क्या है, ये साइट की मैंने, अच्छा साइट की मैं बताऊंगा, ये साइट की मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, कि जब मैं इसको रिक्वेस्ट भेजूंगा ना इस वेबसाइट पे, तो उस वेबसाइट पे ये साइट की लिखी हुई होगी यहाँ पे, तो यहाँ से मैं गेट कर लूँगा, गेट करने के बाद फिर जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो उस वक्त ये कैप्चर को सॉल्व करने वाले फंक्शन, उस वक्त मैं उसको साइट की दे दूंगा खुद से, ठीक है, ये हमें खुद काम करना पड़ेगा।
ठीक है, तो साइट की पहला क्या, साइट की पैरामीटर वो दे देनी है, दूसरा यू आर एल दे देनी है, ठीक है। और यू आर एल जिस तरह हमने यहाँ पे वेरिएबल में बताया ना, इस तरह साइट की भी हम जब हम सॉल्व कैप्चा वाले फंक्शन को कॉल करेंगे ना, उस वक्त साइट की मैंने की होगी गेट, ठीक है, फिर हम इसको भेजेंगे, ठीक है। अभी सॉल्व कैप्चा वाला, इसकी समझ आ गई जी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया। अब हमने ना वो गेट सी एस आर एफ टोकन वाली बात आ, अब ये सी आर एफ मिडिलवेयर टोकन को क्यों हम जनरेट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जब हमने देखा था कि जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद फिर क्लियर किया, फिर जब हम सबमिट करते हैं ना दोबारा से, तो फिर जब इसके ऊपर ये स्पैम में जब इसको पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है ना ये, और इसके पेलोड पे हम देखते हैं, ठीक है, आप देखते हैं ब्लर्स आ रहे, तो एक देखिए सी आर एफ मिडलवेयर टोकन आ रहा है, एक जी कैप्चा रिस्पॉन्स, इसको हम इसमें कर लें, देखिए एक सी आर एफ मिडलवेयर टोकन आ रहा है, ठीक है, और दूसरा अगर आप इसको पढ़ते जाओ तो ये जी डॉट डैश री कैप्चर डैश रिस्पॉन्स इक्वल, तो एक ये पे अब हमें दो चाहिए, सी आर एफ मिडलवेयर टोकन और एक ये। अब सी आर एफ मिडलवेयर टोकन कहाँ होगा, इसको अगर मैं कॉपी करूँ और मैं करूँ यहाँ पर कंट्रोल एफ कंट्रोल बी, सॉरी यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल एफ कर दिया कंट्रोल बी कर दी, देखिए सी आर एफ मिडलवेयर टोकन कहाँ पर है, ये इसी पेज पे स्क्रैप पे डॉट कॉम फॉर स्पैम रिपोर्ट करने के बाद, यानी है जैसी आप इस वेबसाइट को करोगे जहाँ आपके सामने आई एम नॉट रिपोर्ट आएगा, फर्स्ट रिक्वेस्ट पे ही आपका सी आर एफ मिडलवेयर टोकन भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी ये वैल्यू आपने गेट कर, ठीक है, एक्सपाथ से कर लो सी एस एस से कर लो जैसे आपको, ठीक है, तो ये वैल्यू वो है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हम अब यहाँ पे देखो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा, यू आर एल, और यू आर एल में क्या कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट, वो जो मैंने पहले आपको बताया रिक्वेस्ट डॉट गेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो मैं ब्यूटीफुल सोप यूज़ कर रहा हूँ, उसको यूज़ करने के लिए हमारे रिस्पॉन्स टेक्स्ट देते हैं, इस तरह आ गया। फिर मैंने सोप डॉट सेलेक्ट वन, ये मैंने सी एस एस सेलेक्टर लिखा हुआ है, ये जब किया तो हमारे पास डायरेक्टली सी एस एस मिडलवेयर टोकन की वैल्यू आ जाएगी, जब वैल्यू आ जाएगी, हाँ वैल्यू नहीं आएगी, वो पूरा पूरा टैग आ जाएगा, उसके बाद मैंने लिख दिया सी आर एस अंडरस्कोर ई एल वैल्यू, आप यहाँ पे एक्सपाथ भी यूज़ कर सकते, जरूरी नहीं है कि आपने ये यूज़ करना, एक्सपाथ यूज़ कर लो, तो वैल्यू आ गई। अब वो सी एस एफ टोकन की जो वैल्यू, ये वैल्यू क्या लिखा, ये बेसिकली उसका वो एट्रीब्यूट है, तो आप ऐट द रेट करके वैल्यू भी लिख सकते थे, एक्सपाथ ईजी है वैसे, ये प्रैक्टिस है जिसको सी एस एस ईजी लगती है, सी एस एस यूज़ करता है, जब वैल्यू लिखी तो सी एस एफ टोकन आ गया, जो वो टोकन की वैल्यू है ना वो उसके अंदर आ गई। अब रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, ये कुकीज़ भी मैं देखूंगा कहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो अच्छा, कुकीज़ लेने के लिए क्या होता है कि रिस्पॉन्स की के अंदर जो कुकीज़ आई है ना, वो अगर हमने लेनी हो, फॉर एग्जाम्पल ये उसने किसका कोड लिखा है, हाँ वो कहता है कि जब हम फर्स्ट टाइम इसको करते हैं ना, मतलब फर्स्ट टाइम एक वेबसाइट है उसको हमने रिक्वेस्ट भेजी F12 किया, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम मैं उसको दोबारा से नेटवर्क पे जाता हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ, दोबारा से रिक्वेस्ट की तो स्पैम पे जाता हूँ, और यहाँ पे देखें ये रिक्वेस्ट हेडर है ना जो हमने भेजे थे, ये रिस्पॉन्स हेडर था कि जो हमने रिक्वेस्ट की, उसके बाद रिस्पॉन्स जिस सर्वर ने हमें भेजा है ना, उस सर्वर ने ये चीज़ें हेडर्स में ये चीज़ें चीज़ें निकाल के भेजी है, उसमें देखिए एक सी आर एस एफ टोकन भी उसने भेजा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं देखूंगा कि इसको हम यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स हेडर्स को हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं ये भी देखते हैं कहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। तो फिलहाल सी आर एस एफ टोकन हमने रिटर्न किया, अब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक ये सी आर एस एफ टोकन की जो वैल्यू ली है ये रिटर्न कर रहे हैं, दूसरा कुकी ये रिटर्न कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, ठीक है। रिस्पॉन्स कुकी लेना हो, जस्ट रिस्पॉन्स आए ना, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज लिख दो तो ऑटोमेटिकली वो कुकी रिटर्न कर देते, ठीक है। तो हाँ ठीक, अच्छा अब आगे, अच्छा अब मैं इन फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है। पहले मैंने क्या किया है, अच्छा इस साइट की के ऊपर इस तरह क्यों आ रहा है, साइट की, अच्छा बेसिकली वो साइट की क्या थी, मैंने एपीआई की का नाम आई थिंक साइट की रखा हुआ था, ठीक है, तो मैं यहाँ नाम इसका साइट की ही रखा देता हूँ, ठीक है।
इस वजह से वो काफ़ है कनाल में साइड की रखता हूँ। तो अब ये जो फंक्शन है साइड की दे देगा, यहाँ पे इसको नहीं, और इसको भी मैं साइड की दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ मैं नीचे आता हूँ। हाँ अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने किसको कॉल किया है, गेट सी एस आर एफ टोकन और कुकी और यूआरएल दे दिया। अभी यूआरएल कौन सा, यहाँ मैंने ना यूआरएल डिफाइन किया ये वाला। अब ये वाला फंक्शन मैंने कॉल किया है, गेट सी एस आर एफ टोकन, कि सी एस आर एफ टोकन को गेट करा है, नाम भी मैंने ऐसे ही रखा है कि सी एस आर एफ टोकन को गेट करेगा और कुकी को गेट करेगा, और पहले सी एस आर एफ टोकन पहले सी एस एफ टोकन गेट करेगा फिर कुकी, पहले सी एस एफ टोकन, क्योंकि पहले जो रिटर्न करते हो ना, पहला वो पहले रिटर्न होता है, फिर दूसरे जो करते हो वो दूसरे पे रिटर्न होता है, इसलिए पहले जो रखा, इसलिए पहले पे मैंने टोकन रखा है कि टोकन के वेरिएबल में पहले ये सी एस एफ टोकन आ जाए, कुकी को बाद में वेरिएबल रखा है। हम ये दो वेरिएबल क्यों लिए, क्योंकि ये फंक्शन दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए यहाँ मैंने दो वेरिएबल टोकन डैश कुकी रख दिया, ताकि दो वेरिएबल टोकन वाला टोकन में जाए, कुकी वाला कुकी में जाए। तो यूआरएल दे दिए, यूआरएल मैंने ऊपर आपको दिखा दिया। अच्छा अब ये कैप्चा सॉल्व, मतलब कैप्चा सॉल्व का जो कोड है, अब कैप्चा सॉल्व कोड भी लिख सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये दूसरा फंक्शन मैं कॉल करूँ सॉल्व कैप्चा, अब जो सॉल्व कैप्चा, अब मैंने इसको कॉल किया, इसको दो चीज़ देनी, साइट की यूआरएल, अब साइट की कहाँ है, वो वेबसाइट पहली वाली में। अब सी एस एफ टोकन में क्या किया था, यहाँ मैंने रिस्पॉन्स डॉट गेट करके वो बिल्कुल सोप चला के यहाँ वैल्यू गेट करके यहीं पर वैल्यू, इसलिए मैंने इस फंक्शन को पहले कॉल किया, क्योंकि इसमें टोकन आ जाएगा। तो एक साइट की दे दी और एक ये टोकन दी। अब ये सॉल्व कैप्चा को मैंने सिर्फ दो चीज़ें क्यों दी, वो मैं यहाँ पे वेबसाइट को पहले एनालाइज कर चुका हूँ, कि जब मैं इस रिपोर्ट को क्लिक करता हूँ और उसके बाद जब मैं इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर में सिर्फ एक ही चीज़ ले रहा है, तो ये भी चीज़ ले रहा है, देखता हूँ इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आ रही के, उसका मतलब है ये कोई साइट की है या कोई भी चीज़ है, तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ नेट पर, मुझे सर्च करना पड़ेगा इसमें अपना वेबसाइट को एनालाइज करके ये क्या चीज़ है। तो यहाँ मैंने सर्च किया तो पता चला साइट की है, ठीक है, और जो कि स्टैटिक है, चेंज नहीं हो रही। तो ये इसलिए मैंने इसको सॉल्व करने में, सॉल्व कैप्चर को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें भेजी, एक साइट की तो मुझे पता चला कि वो मैथ पोस्ट मैथड में जा रही है, ठीक है, और दूसरा यूआरएल। ये भेजोगे तो सॉल्व कैप्चर क्या करेगा, उनके पास एक वेबसाइट के पास, उनके वेबसाइट के पास ये कैप्चर एज इट इज़ पहुंच जाएगा इसी तरह जी यू आई की फॉर्म में, ठीक है। और वो सॉल्व करके जब हमें वापस भेजेंगे तो वो कैप्चर सॉल्व करके हम भेजेंगे तो कोड मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न डॉट गेट कोड किया। अच्छा यहाँ तक आ गई, अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अच्छा अब हेडर्स में हमने क्या क्या भेजे, कंटेंट टाइप और रेफर। ये हेडर में ना आप कोशिश करो सारे के सारे ही हेडर का रिक्वेस्ट और हेडर जो सी है ना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये दो तीन, आप सारे के सारे रिक्वेस्ट डॉट हेडर जो फर्स्ट टाइम भेजते हो ना, ये रिक्वेस्ट डॉट, ये रिस्पॉन्स नहीं, रिक्वेस्ट डॉट हेडर, ये सारे कॉपी कर लो बेशक, ठीक है, सारे बेशक कॉपी कर लो, कोई इशू नहीं, सारे कॉपी करके रिक्वेस्ट डॉट हेडर, ठीक है, सारा कॉपी करके, ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पर जिस तरह उन्होंने दिया हुआ है ना, इस तरह ये हेडर सारे के सारे, मैंने सिर्फ दो लिखे आप सारे बेशक, कोई इशू। अच्छा अब उसमें पेलोड आ गया, पेलोड बेसिकली वो डेटा है, तो दो चीज़ें जा रही थी, क्योंकि अब ये कैप्चर भी सॉल्व हो गई, ये भी हो गया। अब लास्ट जब हमने रिक्वेस्ट भेजी जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, उसमें हमने देखा था कि जब हम रिपोर्ट को सॉल्व कर लेते हैं, अब ये लास्ट रिक्वेस्ट जो आ रही है इसको जब हम सबमिट करते हैं, ठीक है, तो स्पैम वाले फोल्डर को हम चेक करते हैं, तो इसको तो पता चलता है और पोस्ट रिक्वेस्ट है, और यहाँ पेलोड में जाओ तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जनाब इसी से मिडलवेयर टोकन एक ये है और एक जी रिस्पॉन्स ये है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेलोड बना, पेलोड बेसिकली वो जो डाटा है साथ हम भेज रहे हैं, तो एफ स्ट्रिंग बना दी एक सीरे से मिडलवेयर टोकन इज इक्वल, अब बिल्कुल वैसा बनाना है, क्योंकि वहाँ पे भी सी एस आर एफ मिडलवेयर टोकन आ रहा है, टी डबल ओ नहीं करना, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं डालनी, सिर्फ वही चीज़ें डालनी है जो कि यहाँ पे देखे सी एस आर एफ मिडल वेयर टोकन, इसके अंदर तो कोई डैश नहीं है, कोई कैपिटल है तो कैपिटल है, अब यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं है, सारे स्मॉल, इसलिए यहाँ पे मैंने सारे स्मॉल लिखे हैं, इज इक्वल टू टोकन, ये टोकन जो बेसिकली वहाँ से हमारे पास फंक्शन के थ्रू से आया है, ये वाला टोकन। फिर एड एंड द रेट देखें, एंड क्यों एंड यहाँ मैंने लिखा है कि यहाँ पे भी देखें अगर आप, तो ये यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ है यहाँ पे देखें एंड लिखा हुआ है, एंड के बाद फिर जी डैश डी कैप्चा डैश रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें जी डैश डी कैप्चा डैश रिस्पॉन्स इज इक्वल टू,
और उसके बाद मैंने कैप्चर सॉल्व दे दिया जो कोड हमें मिलेगा, ठीक है। और फिर अब हमने क्या करना है, ये रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, पहले रिक्वेस्ट डॉट गेट कर रहा था, अब रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, उसके अंदर हमने सबसे पहले उसको यूआरएल देना है, फिर हमने उसको कुकीज़ देनी है, फिर हमने उसको डाटा देना है। ये चीज़ें सेम रहेंगी, क्योंकि ये पैरामीटर है, डाटा की जगह डाटा ही लिखना है आपने। और इसको पेलोड, ये आप अपनी तरफ से वेरिएबल जो मर्जी, हेडर्स यहाँ पे हेडर्स दे दो, H1 दे दो, H2, H3 है, जो मर्जी देना दे दो, या सीरियल लिया करो, लेकिन हेडर्स लिए रखा एड्रेस लिए रखा ताकि समझ में आसानी हो, ठीक है। ये हेडर्स वही है जो यहाँ पे मैंने पता नहीं कहाँ ये रखे हैं, ठीक है। और ये डिक्शनरी के अंदर है, ठीक है, जैसे की है ये वैल्यू, की है वैल्यू, हेडर्स में आ गए। अब देखिए डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, ये वैसे ही मैंने ये जो प्रिंट स्टेट मैं कर रहा हूँ ना, इसे अपने समझने के लिए कर रहा हूँ कि टोकन में क्या जनरेट हुआ, कुकी में क्या आया, पेलोड में क्या आया, कैप्चर सॉल्यूशन में उसने कौन सा कोड हमें बना के भेजा, और डाटा जो उनसे है वो, ठीक है, ये वो कर रहा हूँ। ये असल ये मैंने अपने सिर्फ समझने के लिए किया, बेसिकली यहाँ पर रिस्पॉन्स जो टेक्स्ट आएगा ना, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। उसको क्यों मैं चला के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ, यहाँ पर देखिए रन, थोड़ा सा टाइम इसलिए लेता है क्योंकि उसके एरर रॉन्ग गूगल की एरर रॉन्ग गूगल की। अच्छा अब यहाँ पे हुआ क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमने टू कैप्चा वालों को भेजी है ना रिक्वेस्ट, तो उसके बंदे ने सर कैप्चा से सॉल्व नहीं किया, दोबारा भेज, अच्छा यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम आई है, ठीक है, वो ये है कि इसके अंदर ना साइट की, बेसिकली हमारे पास जो साइट की होती है वो हमने देखना होता है कि जो हमने बॉट को यहाँ देनी होती है, ठीक है। अगर हम मैं यहाँ पर नेटवर्क टैब में जाऊँ, ठीक है, इसको मैं क्लियर करूँ, आई एम नॉट अ रिबोट पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखें पेलोड में ये एक की जा रही है, जिकल एक साइट की बेसिकली जा रही है। ये बेसिकली की जो होते हैं ना, हम जब फर्स्ट टाइम ये पेज लोड करते हैं ना, फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसको मैं देखना हो तो एलिमेंट में जाओ तो ये कोड आ जाता सारा। कंट्रोल एफ करके कंट्रोल वी देखो ना, तो ये देखें साइट की आ रही है, जब हम फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं ना उस वक्त हमें ये रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पर तो क्योंकि मैं दो तीन दफ़ा इसको रिफ्रेश करके भेजता है, ये साइट की ना ये हमारे पास फिक्स है, कुछ होगी चेंज भी होती होगी तो वो हमने खुद देखना है, उसको एनालाइज करना है वेबसाइट को। तो अगर वो बार बार चेंज हो रही है तो फिर हमें जिस टाइम हम भेजते हैं उस टाइम रिक्वेस्ट भेज के वहाँ से हमें उसको एक्सपायर सी एस एस के थ्रू गेट करवा कर फिर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिक्स फिक्स थी, इसलिए मैंने यहाँ पर गलती से शुरू में क्या कर दिया, साइट की रिमूव कर दी, तो साइट की मैंने दे दी, तो यही साइट की बेसिकली एक रॉन्ग आ रही थी। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता था ना सॉल्व कैप्चा वाले को, ठीक है, और साइट की देनी होती, साइट की वो वाली देनी होती, मैं उसको गलत साइट की देता, मैं उसमें API की दे रहा था जो भी गलत थी, इसलिए वो कहता है गूगल की रॉन्ग इस तरह को यार दे रहा था। तो ये एक्सेप्शन का इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि जो एक्सेप्शन आ रही होती है सिर्फ वो शो करता है। अगर हम इसके बाद प्रिंट करके अपना कोड लिखते हैं तो वहाँ पे यही कहेगा कि नॉट वर्किंग, ये कोई सम प्रॉब्लम अक्कर, लेकिन ये नहीं पता चलता कि प्रॉब्लम है क्या। तो जब हम एक्सेप्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें सिस्टम डॉट एग्जी डॉट ई जो एक्सेप्शन आ रही होती है स्पेसिफिक, वो वाली एक्सेप्शन हमें पता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ठीक है, और फिर हमने यूएल देना होता है, ठीक है। अब जब मैंने सिर्फ ये मैंने चेंजिंग की है और मैंने इसके अंदर और यहाँ पे मैंने API की दे दी है वो पहले वाले की तरह, ठीक है, और ये साइट की बेसिकली ये वाली साइट की नहीं है, ये साइट की बेसिकली यहाँ पे जो आप साइट की देते हो वो वाला वेरिएबल यहाँ पर जाता है, ठीक है, और ये फिर साइट की बिल्कुल साइट की दे दी है, वो ये साइट की है जो यहाँ पे आ रही है, और तो यूआरएल बाकी वही कोड है, बाकी उसमें कोई चेंज। हाँ यहाँ पे अब ये हो सकती थी चेंज, या आपको हमें वेबसाइट एनालाइज करने के बाद पता चलता है,
अगर साइट की भी हर दफ़ा चेंज हो रही है, फिर आपको उसी तरह रिक्वेस्ट डॉट गेट करके, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको टोकन लिया ना, इस तरह आप आपको की भी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो साइट की चेंज नहीं होती, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर दे दी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने उसको मतलब चलाया है, तो कि मैं 1.5 मिनट तक, 1 मिनट से 1.5 मिनट, ये टाइम टू कैप्चर वालों ने दिया होता है यहाँ पे, अगर देखो तो आई थिंक एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ पे उन्होंने दिया होता है, सॉल्विंग स्पीड ये 12 सेकेंड से 52 सेकेंड तक जा सकता है, नॉर्मल कैप्चर 12 सेकेंड तक, ठीक है। ऑटो कैप्चर अगर हम यहाँ पे देखें, टू कैप्चर री कैप्चर जो उनसे, ये कितनी देर में करता है वो, यहाँ पे उसने टाइम इसका नहीं दिया। नॉर्मली वो बता रहा है कि नॉर्मल कैप्चर 10 सेकेंड के अंदर और जावास्क्रिप्ट कैप्चर के वो 20 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो कैप्चर बाईपास सर्विस नॉर्मल कैप्चर 12 सेकेंड, अच्छा कैप्चर बाईपास सर्विस 52 सेकेंड, वर्क ये इन्होंने को टाइम बताया है कितने टाइम के अंदर हम करते हैं। तो हमारा तकरीबन आई थिंक लगे है 1 मिनट तक, या आई थिंक 30 सेकेंड लगे होंगे, उसके बाद फिर हमारे पास ये कोड आ गया, ठीक है। तो इस कोड से हम यहाँ पे ना देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको देखा जाए तो यहाँ से ना बताया हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट पासवर्ड, एडमिन नेम पासवर्ड, और लुक लाइक यू आर नॉट अ रिबोट, तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो कि जब हम आई एम नॉट अ रिबोट करता हूँ और मैं सबमिट करता हूँ तो मेरे पास ये, ठीक है। तो ये चीज़ है, और मैंने जहाँ से ये चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, ये कहाँ पर है हमारे पास लिखा हुआ, हाँ जी, बाय कोड रिकोड, ये बेसिकली यूट्यूब का चैनल है कोड रिकोड, आई थिंक ये मलेशिया के हैं, तो इनका बड़ा ज़बरदस्त चैनल है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो उनसे ना मैंने इनके चैनल से ही सीखी हैं, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें। तो ये जो कोड है और ये जो सारी चीज़ें, सारा का सारा मैंने इनसे सीखा है। तो अगर आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाओ कोड रिकोड, ठीक है, और वहाँ पर इनके स्क्रैपिंग से रिलेटेड बहुत सा स्टफ़ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर आई थिंक ये इनकी हाउ टू बाईपास कैप्चर या री कैप्चर नाम से एक वीडियो है, तो ये सारा कुछ मैंने वहाँ से सीखा है, ठीक है। तो वहीं से उन्होंने बताया हुआ था, तो मैंने सेम एज इट इज़ उसको कॉपी की है, ठीक है। और मैंने क्योंकि खुद इसको एक दफ़ा चला के देखा था, कोड वगैरह चल रहा था, ठीक है, कोड मैंने एक चीज़ खुद लिखी थी ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए, और एक्सप्लेनेशन मैंने अपने लिहाज से किया, उन्होंने अपने लिहाज से किए, ठीक है। तो वहाँ से जाके भी आप ये सारी चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वीडियोज़ जो अगर आप मेरी सारी प्लेलिस्ट देखोगे, तो स्टार्टिंग वीडियोज़ स्टार्टिंग में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनकी जो वीडियोज़ है ना, वो बिल्कुल ऐसे जो बिगिनर होता है ना, वहाँ पर वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होता है, उसको थोड़ी समझ नहीं आ रही होती। तो मैंने वीडियोस कुछ तीन चार ऐसे बनाई हैं शुरू में, मैं तो बहुत सिंपल 4-5 वीडियोस हैं जो कि आपको ना शुरू से गाइड करती हैं कि आपने करना कैसे। फिर आज मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि एक तो ये वाला कोर्स तो सारा का सारा उनका कॉपी पेस्ट कोर्स, ठीक है। तो मेरा बताना यहाँ पे फर्ज बनता था कि उनका मैं बताऊँ कि भाई उनसे सीखा तो उनको क्रेडिट बनता है, मैंने बताया कि उनका सारा का सारा कोर्स कॉपी। और दूसरा ये है कि अब मैं आपको दूसरी वजह अब बताने की ये है कि अब आप उनके चैनल पे जाके जब कुछ सर्च करोगे, फिर आपको इजीली समझ आते लग जाएगा, अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कोई ट्यूटोरियल बनेगा तो फिर इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा।